मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, रिक्वायरमेंट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट। पोस्ट का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट की भर्ती निकली हुई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर पे। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, पोस्ट जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है। और मैं बाद में लास्ट तक ये वीडियो को देखिए, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है मैं आपको बताऊंगा, उसी के बेस पे आप फॉर्म भरें अन्यथा न भरें बिना जानकारी के। एप्लीकेशन जो शुरू होगी वो 3 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अभी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है फॉर अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट दी हुई है 23 दिसंबर 2022। 3 दिसंबर 2022 को ये ओपन हो चुकी है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 23 दिसंबर 2022 है। लास्ट डेट पे एग्जामिनेशन फीस भी, अगर आप इसकी एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हो तो 23 दिसंबर 2022 ही है जो लास्ट डेट है। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, क्लर्सियल कोई मिस्टेक्स हो जाती है, अगर आपको उसे सुधारना है तो 28 से 30 दिसंबर के बीच ऑनलाइन इस पोर्टल की सुविधा के माध्यम से करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई डेटा आपने गलत भर दिया है तो उस डेटा को सुधार जो है आप 28 से 30 दिसंबर 2022 के बीच पे कर सकते हैं। इसका बेसिकली ध्यान दें। और रही बात इसमें एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सून, मीन्स एग्जाम डेट आपको बाद में बता दिया जाएगा। वैसे तो आजकल ऐसा है कि जब एग्जाम होता है तो उसके 7 दिन 3 दिन बिफोर जो है आपको एडमिट कार्ड जो है आपको मिल जाता है मेल आईडी के माध्यम से। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो अपने मोबाइल को जो आपने लिंक कराया हुआ है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी है, तो उस पर हमेशा एक्टिव जो है बने रहे। अब इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि भारत में हो, पास होना चाहिए उसको इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग एग्जाम पास होना चाहिए मध्य प्रदेश लैंग्वेज के माध्यम से, या तो CPCT का स्कोर कार्ड उसके पास हो और हिंदी इंग्लिश का सर्टिफिकेट टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर का उसके पास होना चाहिए, या तो CPCT का स्कोर कार्ड आप ले लेते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और एक और चीज़, 1 साल का 1 ईयर का डिप्लोमा जो है, 1 ईयर का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देने के लिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और प्लस कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपसे आना चाहिए। आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी है मैं नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ, लास्ट तक आप समझिए इसको, पहले देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और अदर स्टेट के लिए, जैसे कि जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है तो उसे 777.02 रुपये उसको एग्जामिनेशन शुल्क है जो उसको लगेगी। या तो फिर कोई व्यक्ति जो ST SC OBC का भी हो लेकिन वो हमारे MP मध्य प्रदेश का ना हो, किसी अन्य राज्य का हो, जैसे राजस्थान हो या फिर किसी अन्य राज्य का हो, तो उसको तो चाहे वो किसी भी ST SC कैटेगरी का भी होगा तो भी उसे 777.02 रुपये जो है उसको लगेगा। इस बात का बेसिक ध्यान रखें। अगर कोई अदर स्टेट का हो या फिर मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और वो जनरल में आता हो तो 777.02 रुपये लगेगा, या फिर वो मध्य प्रदेश से बाहर के स्टेट का हो तो भी उसे 777 लगेगा, चाहे वो ST SC OBC क्यों ना हो। फिर आता है MP रिजर्व कैटेगरी। मध्य प्रदेश पे जो आरक्षित जो लोग हैं उनके लिए जो है 577.02 रुपये लगेगा। यूं मान लीजिए एग्जामिनेशन शुल्क है जो उनको कम लगेगा। इसको ऑनलाइन आप चाहे पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। बाकी आप खुद ही ये फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई का दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और PDF फाइल पे। एप्लीकेशन क्राइटेरिया आप जान लीजिए, मिनिमम जो एज है 18 होनी चाहिए और 35 ईयर्स ओल्ड का होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो मिला है, एज की जो छूट मिलती है, जो उम्र की जो छूट मिलती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको मिल जाएगी। इसमें केवल जो पोस्ट है वो है केवल 40 पोस्ट की ही भर्ती इस पर निकली हुई है मात्र। इसलिए रिक्वायरमेंट को भरते भरते समय आप पूरे जो है डिटेल्स को अच्छे समझ लीजिए।
मैंने नोटिफिकेशन, आप चाहे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे छोड़ दिया, क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो वो भी लिंक मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन लिंक पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैं मेन चीज़ों पे अब हम आते हैं। तो ये यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की जो जॉब है निकली हुई है, ये गवर्नमेंट, टोटली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मूल चीज़ें समझा देता हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि जो आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की जो जॉब भर रहे हैं, तो इसके बारे में आप जान लो कि इस पोस्ट का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के अतिरिक्त पद भरना है, और जो कि 40 है। ऑनलाइन की डिटेल, लास्ट डेट डिटेल सब मैंने पहले बता दी है। इम्पॉर्टेंट है कि खंड आ में जो बताया गया है कि नेम ऑफ पोस्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इस पे यू आर जो है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, यू आर 21 पोस्ट है, और ओबीसी के 4 पोस्ट हैं, एससी के 7 और एसटी के 8 पोस्ट खाली। टोटल ये 40 पोस्ट जो है फिलअप होनी है। और याद रहे, इसमें साफ लिखा है उपरोक्त पद की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, उपरोक्त पद की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, उनके अनुसार मानी जाएगी, जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से मानी जाएगी। अब देखो, पद का नाम जूनियर जूडियस है, इस पर जो सैलरी दी हुई है उसकी सैलरी आप लोग सुन लीजिए पहले, इसकी सैलरी क्या है। इसकी जो सैलरी है वो सैलरी है 5,200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,900 रुपये मिलेगा उनको। ये 5,200 20,200 के बीच ये तनख्वाह जो रखी जाएगी, और ग्रेड पे जो है 1,900 रुपये दिया जाएगा। ये पे बैंड है, 5,200 से लेके 20,200 पे बैंड है, ग्रेड पे जुड़ेगा 1,900 रुपये, ओके। अब इसमें दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, पास होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती हो, चाहे टाइपर राइटिंग आती हो एग्जामिनेशन, या तो फिर वैलिड हो सीपीसीडी, उसके पास सीपीसीडी का सर्टिफिकेट हो जो कि मध्य प्रदेश एजेंसी के माध्यम से पास किया हो, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैप आईटी के माध्यम से वो पास हो, तो वो मान्य होगा। एक साल का डीसीए आपको दिखाना पड़ेगा, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन से आपको डिप्लोमा देना है जो यूजीसी मान्यता रखता हो। कभी भी आप पढ़ें, डीसीए करें या एमसीए करें, बीसीए करें, पूछ लें कि क्या वो इंस्टीट्यूशन यूजीसी मान्यता पे है कि नहीं है, नहीं तो कोई सेंस नहीं निकलता है, केवल जॉब प्रमोशन के काम आता है, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको देख कर बता देता हूँ, ये तो रहने दो। आरक्षण, आरक्षण को आप समझ लो, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को अनारक्षित ही भरेंगे। क्या भरेंगे? मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो सभी आवेदक जो भी होंगे, वो आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को केवल अनारक्षित ही भरेंगे। अनारक्षित साफ इसमें दिया हुआ है, और केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करेंगे। एसटी एससी ओबीसी के अनुसार जो भी उनकी श्रेणी आती है वो साफ लिखेंगे कि हम एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि वो आरक्षित लेवल में आ सकते हैं अगर उनकी श्रेणी के अनुसार है तो, है ना। और जो एमपी के जो बाहर होंगे ना, उनके लिए सिर्फ अनारक्षित ही भरेंगे वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है, और इसको ऑनलाइन आप भरकर आप चाहे तो अच्छी तरीके से फॉर्म को भरना है, 10th के रिजल्ट के बेस से भरना, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ सही डालना है, आधार कार्ड, बाकी सब चीज़ें बता दिया हूँ मैं। अनारक्षित के लिए मैंने बता दिया है कि परीक्षा शुल्क 200 रुपये लगेगा। अनारक्षित किसे कहेंगे? मध्य प्रदेश के राज्य से बाहर के आवेदक के लिए, जो दिव्यांग को छोड़कर, जो दिव्यांगन है, जो कि हैंडीकैप जो लोग हैं उनको छोड़कर, वो भी इस सुविधा का, वो भी इस कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं, जो हैंडीकैप्ड होंगे वो लोग, जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे तो भी उन्हें ये श्रेणी को फायदा उनको मिलेगा, इस ऑप्शन का फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड हो। अन्यथा किसी भी मध्य प्रदेश के जो बाहर हैं उनको, किसी को भी ये फायदा नहीं मिलेगा, केवल हैंडीकैप को ये फायदा मिलेगा। और आरक्षित वर्ग के माध्यम में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं तो आरक्षित उनको मिलेगा, और दिव्यांगन आवेदकों हेतु
जो हैंडीकैप्ड है उनको भी आरक्षित मिलेगा। ओके, ये बात को आपको ध्यान रखना, मैंने फीस बता दी है, 577 रुपये 2 पैसा लगेगा अनारक्षित के लिए, केवल सेवा पे केवल पोर्टल और अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क 200 रुपये अलग से। तो कुल मिला के आप जमा करेंगे अनारक्षित के लिए 777 रुपये 2 पैसा और आरक्षित वर्ग के लिए 577 रुपये 2 पैसा, उनको परीक्षा शुल्क नहीं लगेगी, केवल पोर्टल और अन्य चार्ज जो है लगेंगे मात्र। तो इस प्रकार से ये आवेदन को आप चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थियों के परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने से समयोज किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर शुल्क में परिवर्तन होता है, थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है, तो वो फीस भी आपको, एक्स्ट्रा फीस भी आपको जमा करना होगा और वो शुल्क वापस का कोई समायोजन नहीं है। इस प्रकार से आप फॉर्म को अच्छी तरीके से आप भरकर ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की लिंक मैंने दे दी है, आप अपनी डिटेल खुद भरकर जमा कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे जे डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे मैंने डाल दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।